दोस्तों विज्ञान के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रजातियों के जीवों ने राज किया, लेकिन अभी तक के सभी जीव प्रजातियों में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्रजाति की बात की जाए तो वो हम इंसानों की प्रजाति है, जो खुद को समय के साथ साथ हर तरह से विकसित करने में कामयाब हो पाई है। आज के समय में इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अलावा ऐसी कोई दूसरी प्रजाति नहीं है जो कि हम इंसानों के दिमाग और उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी कर सके, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर मानव प्रजाति ही एक ऐसी प्रजाति हुई है जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग और नई नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों के इन सभी खूबियों को देखते हुए अब ये सवाल उठता है कि इस पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ और हम इंसानों के पहले पूर्वज कौन हुआ करते थे। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि हम इंसान इस पृथ्वी पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो पुराने समय में पृथ्वी पर जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो हम उनके साथ भला कैसे रह पाते, क्योंकि पृथ्वी पर डायनासोर्स के रहते हुए हम खुद को कभी विकसित नहीं कर पाते। और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम इंसान डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद ही इस पृथ्वी पर आए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिर हम इंसान इस पृथ्वी पर आए कैसे। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज से लगभग 21 मिलियन साल पहले जब अफ्रीका के जंगल बेहद ही घने हुआ करते थे, तो यहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते थे और इन जंगली जानवरों में लंबे दांत वाले शेर और खूंखार लकड़बग्घे वगैरह शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा अफ्रीका के जंगलों में इन जंगली जानवरों के साथ साथ आदि मानव भी पाए जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस पृथ्वी पर आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति पाई जाती थी उसका नाम प्रोकोंसुल हेसेलूनी हुआ करता था। अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली आदि मानव की यह प्रजाति पेड़ों पर रहा करती थी और फल फूल खाकर अपना गुजारा किया करती थी। दोस्तों, आदि मानव की यह प्रजाति अपने चार पैरों पर चला करती थी और इनके मुंह पर ऊपरी और निचले होंठ बिल्कुल एक जैसी बनावट के हुआ करते थे। आपको बता दें कि पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में आज भी प्रोकोंसुल हेसेलूनी के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिससे कि इनकी शारीरिक बनावट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के दौरान ये बताया कि आदि मानव की ये प्रजातियां खूंखार नहीं हुआ करती थीं, लेकिन आज से 10 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आई थी तो अफ्रीका के जंगलों पर इसका काफी गहरा असर हुआ था, जिस वजह से आदि मानव की इस प्रजाति में काफी बदलाव आए। इसी के बाद प्रोकोंसुल हेसेलूनी पेड़ों के बजाय जमीनों पर रहने लगे थे और उन्होंने अपने दो पैरों पर चलने की शुरुआत की थी। दोस्तों, यहीं से एक नई प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम आर्डिपिथेकस रेमिडस पड़ा। ये मानव प्रजाति अपने दो पैरों पर चलने में सक्षम तो थी, लेकिन इनके पैर अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हुआ करते थे, जिस वजह से इनके पैरों के चलने का तरीका भी आज के इंसानों के मुकाबले काफी अलग हुआ करता था। दो पैरों पर चलने के बावजूद भी ये प्रजाति पेड़ों पर रहना पसंद करती थी, लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की संख्या कम होती गई, तब अफ्रीका के जंगलों में आदि मानव की एक और नई प्रजाति विकसित हुई जिसे ऑस्ट्रालोपिथेकस एफ्रेंसिस के नाम से जाना जाता है। आदि मानव की इस प्रजाति में पहले के मुकाबले काफी सारे बदलाव देखने को मिले थे, जैसे कि इस प्रजाति की शारीरिक बनावट काफी हद तक इंसानों से मेल खाती थी और इनके चलने का तरीका भी इंसानों से कुछ हद तक मिलता जुलता था। इसके साथ साथ ये प्रजाति हमेशा झुंडों में रहा करती थी। दोस्तों, वैसे तो ये लोग आम तौर पर शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे, जैसे कि शेर, भेड़िए या लकड़बग्घे आदि अपने शिकार को खाने के बाद उसे छोड़ दिया करते थे तो उस छोड़े हुए शिकार को ये खा लिया करते थे। ये खुद शिकार इसलिए नहीं किया करते थे क्योंकि उस समय इनके पास आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे और कई बार जब इन्हें खाना नसीब नहीं होता था तो ये पेड़ों की जड़ों को खाकर ही अपना गुजारा कर लिया करते थे।
इसके बाद 1.5 मिलियन साल पहले एक और नई मानव प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम ऑस्ट्रालोपिथेकस पड़ा। दोस्तों यहीं से पृथ्वी पर सबसे पहली मानव प्रजाति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के दौरान इस मानव प्रजाति का नाम होमो हैबिलिस रखा था। होमो हैबिलिस पृथ्वी पर मानव की एक ऐसी प्रजाति हुई जो आगे बढ़ने के लिए नई नई चीजें सीखती चली गई। लेकिन समय के साथ साथ ये मानव प्रजाति भी विकसित हुई जिसके बाद पृथ्वी पर एक नई मानव प्रजाति आई जो कि होमो इरेक्टस थी। दोस्तों होमो इरेक्टस ही पहली ऐसी मानव प्रजाति हुई जिसने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर किसी अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग लाखों साल पहले होमो इरेक्टस ने ही यूरोप और एशिया के महाद्वीपों पर रहना शुरू किया था और यहीं से धीरे धीरे सभी महाद्वीपों पर इनका विस्तार होता गया। हर महाद्वीप के वातावरण और माहौल के अनुसार इनके रंग रूप में कई बदलाव भी आए और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने रहने के लिए ठंडे स्थानों को चुना था उनका रंग गोरा हो गया और जिन लोगों ने रहने के लिए गर्म स्थानों को चुना था उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन दोस्तों अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़ना क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि उस दौर में एक भूकंप आने की वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में कई परिवर्तन आए थे। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले इस बदलाव की वजह से चारों तरफ पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदलकर रख दिया जिससे घने जंगल सूखने शुरू हो गए। दोस्तों इस प्राकृतिक दुर्घटना से हरे भरे जंगल घास के मैदान में तब्दील होते गए जिसकी वजह से हम इंसानों के पूर्वज होमो इरेक्टस को अफ्रीका के जंगलों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसना पड़ा। इस जलवायु परिवर्तन का असर अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले कई और जानवरों पर भी पड़ा था। जिन जानवरों ने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया था वो तो जिंदा बच गए, लेकिन जो जानवर खुद को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाए वो पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। दोस्तों शुरुआती समय में होमो इरेक्टस खाने और रहने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ जब धीरे धीरे इनका विकास होता गया तो ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा प्रगतिशील और बुद्धिमान होते गए और इसके साथ साथ ये पेड़ों पर रहने की बजाय जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो चुके थे और होमो इरेक्टस ने ही शिकार करने के लिए हथियारों का आविष्कार भी शुरू किया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थरों की मदद से हथियार बनाना शुरू किया था और इन हथियारों की बदौलत ही इंसानों ने शिकार करना सीखा। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात ये कि इन औजारों यानी कि इन हथियारों से ही इंसानों ने जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करनी सीखी, क्योंकि अगर इंसान औजारों की बदौलत जंगली जानवरों से अपना बचाव नहीं कर पाता तो आज इस पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। यानी होमो इरेक्टस एक ऐसी मानव प्रजाति हुई जो कि इंसानी रूप में काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी और खुद को हर तरह के माहौल में ढालने में सक्षम थी। दोस्तों आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही इंसानों की वो प्रजाति थी जिसने आग की खोज की थी और धीरे धीरे ये आग के फायदे को भी समझते गए। आग की खोज करने के बाद होमो इरेक्टस ने अपने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलो वजन वाले हुआ करते थे। होमो इरेक्टस पहले की तुलना में अब काफी आधुनिक हो चुके थे और समय के साथ साथ इनका दिमाग भी विकसित होता गया, लेकिन अभी भी धरती पर जीवन इतना आसान नहीं था। इसके बाद एक और नई मानव प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम होमो हाइडलबर्जेनेसिस पड़ा। दोस्तों ये मानव प्रजाति पहली ऐसी मानव प्रजाति हुई थी जो कि हूबहू इंसानों की तरह दिखा करती थी। इसके साथ साथ इनके दिमाग और शरीर का वजन भी एक आधुनिक इंसान के जितना ही हुआ करता था, लेकिन इनकी आंखें और जबड़े आधुनिक इंसानों के मुकाबले थोड़े बड़े हुआ करते थे। दोस्तों ये पहली ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने अपने घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ ये मरे हुए लोगों को दफनाना भी सीख चुके थे। ये सुनकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इंसान जान चुका था कि उसे धरती पर किस तरह रहना है, कैसे खुद के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करनी है।
और किस तरह जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक विकसित होने के लिए इंसानों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और समय के बढ़ने के साथ ही ये सारी मानव प्रजातियां विलुप्त होती चली गईं और आखिर में जो मानव प्रजाति रह गई वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुई। आपको बता दें कि होमो सेपियंस मानव की ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिसकी शारीरिक बनावट हर तरह से इंसानों की तरह ही थी। इनके दिमाग का वजन भी एक मामूली इंसान के जितना ही था। होमो सेपियंस अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुके थे। इन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से हर वो चीज विकसित की जो कि इनकी जिंदगी को आसान बनाती थी। होमो सेपियंस ने लगातार अपने विकास पर ही काम किया जिसकी बदौलत आज हम इंसान इस मुकाम पर हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि हमारे पूर्वजों के बारे में ये जानकारी आपको पहले से थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।